देखना पड़ेगा। स्लिप कुर्सी उठाओ उठाओ, गिर गया भाई गिर गया। स्लिप कुर्सी उठाओ उठाओ, गिर गया भाई गिर गया। अभी तो क्या क्या खाना पड़ता, मिट्टी खाना पड़ता। तो यार अभी आधे रास्ते के पास में पानी, तो हमको ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा कितना ये गहरा है पानी, इस साइड से जाके देखते हैं। मिल गया मिल गया मिल गया, उठो 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 उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसने है फड़ लो, तो रास्ता देख सकते हो भाई किस किस टाइप का है। अभी तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग को। आज दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब घर में रह नहीं पा रहा है और हवा भी नहीं है। उसकी वजह से हम लोग सोचा क्यों ना आज नहाने के लिए आ जाए। थोड़ा हम लोग का गांव के पास एक डैम है, तो वहीं पर हम लोग नहाने के लिए जाते हैं। तो डैम हम लोग के पास में है, बस थोड़ा ही दूर है, तो अभी वहीं जा रहे हैं। अब कहाँ से जाए, बस किचर ना हो उतरेगा। अच्छा, इधर से इधर से इधर से जाएगा हम सीधे, तो नहीं सीधे जाएगी। ये देखो जिन्हें तेने क्रॉस कर लिया, और नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा है। कि आज गर्मी की वजह से हालत ख़राब है मेरा, तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अच्छा ऐसा क्या, तब तो हम लोग जन्म से ही राइडर है, क्योंकि हम लोग का रास्ता बचपन से ही ऐसा है। आप क्या ही बोले, वही तो पहले से ही लोग आ चुका है। देखो दो दो बाइक है इधर में, होने से क्या फर्क पड़ता है। हम लोग तो नहाने के लिए आएंगे ना, आई मीन हम लोग तो नहाने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत नहाएंगे मजे करेंगे। अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, तो देख सकते हो हम लोग के सामने डैम पे। क्या बोला क्या बोला, टूटा फूटा डैम। अच्छा, तो यार देख सकते हो सामने डैम है। हम लोग ये झरना यहीं पे थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो अभी डायरेक्टली हम लोग नहीं नहाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली नहाने से शायद हम लोग को बीमारी वीमारी भी हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं नहाएंगे, पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद नहाएंगे। तो गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तो उससे पहले मैं ये चाबी निकाल लेता, मैं भूल गया था इसको। तो गाइस मेरे सामने है हम लोग का डैम, तो ये है हम लोग का डैम। तो आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी था, इसके लिए हम लोग ने सोचा क्यों ना थोड़ा इधर में ठंडा होने के लिए आए, नहाने के लिए आए। तो मेरे साथ मेरा दोस्त है राजीव, आगे वो देखो, तो वो मुझसे पहले आगे चला गया था। तो हम लोग सोच रहा था कि डैम पे चढ़ के देखे अभी, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, रह नहीं पा रहे घर में, तो इसलिए सोचा क्यों ना नहाने के लिए आ जाओ। अरे रुक ना यार, एक साथ चलते हैं। अच्छा गंडी, हाय बोलो, हाय बोल दो। तो मेरे साथ है आज राजीव, और इधर पहाड़ में ये सो ट्रीज देख रहा है, ये सब बैटल नट का ट्रीज है। ओ यहाँ पे रास्ता भी बनाया है अब, मतलब कब बनाया था ये पता नहीं मुझे तो। मैं तो आज दिखाइए, देखो पहले इस टाइप का रास्ता नहीं था इधर में। तो अभी हम लोग क्या करने वाला है,
नहाने वाला, डायरेक्टली नहाने वाला है। नहीं डायरेक्ट नहीं नहाएंगे वरना बाद में बुखार आ जाएगा ना। यहाँ तो नहीं नहाएंगे और ये इतना गर्म हो चुका है ना, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है ये तो। चल के देखेंगे उधर, हेलो वो जो मेटल है वो कितना गर्म होगा सोचा है। हाँ गंडी सोचा है वो मेटल कितना गर्म होगा। आग जैसा होगा। चलो चलो तू आगे जाओ, तू आगे जाओ। हम लोग घर पे चढ़ने वाले हैं तो मैं पहले चढ़ूंगा, उसके बाद राजीव आएंगे मेरे पीछे, तो चलो चलो। इसको पकड़ो, तो आ ही गया तो रिकॉर्ड कर लो। और क्या अभी हम लोग ये डैम के ऊपर है तो देख सकते हो। बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब छाव वाव वो तो वो सब तो नहीं है, तो सीधा सन का जो रोशनी है वो इधर पड़ रहा है तो इसकी वजह से बहुत ही गर्मी हो रहा है। बट फिर भी कोई नहीं यार, हम लोग थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे नहाएंगे क्योंकि हम लोग नहाने के लिए आए हैं। इधर देख सकते हो पानी कितना बड़ा हो गया है, अच्छे पानी देख रहे हो आप, देख सकते हो। कैसा लग रहा है गर्मी? चलो नीचे उतरते, नीचे उतरेंगे। अच्छा तू आगे तू चलो अभी। बट यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा था और यहाँ पे लोग नहा भी रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं अच्छे से। जब गया नीचे उतरने के लिए तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ अभी, बट बस गिर ना जाए। और ये जो मेटल है, मेटल का सीट है नीचे में, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है अभी तो। तो अभी यहाँ से पड़ेगा मुझे क्या? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो पानी देखते हुए नहाएगा क्या? इसमें तो नहीं नहाएंगे, नीचे नहाएंगे। नीचे तो अभी हम लोग सोच रहे हैं वो इधर जो रेड वाला मिट्टी दिख रहा है ना, हम लोग वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे। राजीव यार बारिश आ रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा आ गया तो मोबाइल भीग जाएगा मेरा, अब क्या करें। अच्छा लग रहा है भाई, मतलब बारिश का क्या भी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। बट मेरा मोबाइल भीग जाएगा बारिश ज़्यादा होने से, मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, यही प्रॉब्लम है। तो यार मैं अभी बंद करता हूँ, अगर बारिश कहीं पे थम जाए तो वहाँ से शूट करूँगा, या फिर हम लोग को अगर रुकने के लिए जगह मिले जहाँ से हम लोग बारिश से बच सकते हैं वहाँ से मैं शुरू करूँगा फिर से। तो अब तक के लिए तो यार हम लोग यहाँ पे आए थे गर्मी को पानी भिगाने के लिए, लेकिन हम लोगों को नेचर ने ही भिगा दिया, हम लोग पूरी तरीके से भीग चुका है। अभी भी बारिश हो रहा है और इधर देखो इधर कितना अंधेरा हो चुका है, और इधर देखो सामने ही कितना अच्छा है, मतलब पूरा खुला आसमान है और बारिश नहीं आ रहा इधर सामने, हम लोग के गांव में ही बारिश नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बारिश आ रहा है अभी ठीक रहा है। लेकिन मैं फिर से फ़ोन को बंद करने वाला हूँ क्योंकि मैं बस ये दिखाने के लिए आप लोगों को फ़ोन निकाला था, वरना मेरा फ़ोन फिर से भीग जाएगा। तो अभी अभी ये भी बंद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग,